तो दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे फ्रैंकलिन, सिंचेन, नोबिता और डोरेमोन हेलीकॉप्टर से इस सुनामी से बचने की भागने की कोशिश करते हैं, पर गलत टाइम पे हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो लोग एक बिल्डिंग में फंस जाते हैं। फिर इसके बाद इस शहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए फ्रैंकलिन एक क्रेन पर चढ़ता है जिससे उन्हें एक बोट दिखती है। फिर वो लोग एक के बाद एक उस बोट पर चढ़ते हैं और इस शहर से और इस सुनामी से भागकर बचने की कोशिश करते हैं, पर अचानक कुछ ही देर बाद ये तूफान वापस शुरू हो जाता है और सुनामी वापस बढ़ने लगती है। तो फिर आपको क्या लगता है दोस्तों, कि फ्रैंकलिन, सिंचेन, नोबिता और डोरेमोन इस सुनामी से बच पाएंगे? जाने के लिए देखिए आगे। अरे दोस्तों ये लहरें तो बहुत बड़ी बड़ी है यार, मुझसे तो ये कंट्रोल नहीं हो रही बोट। अरे लगता है कि अब हम मरने वाले हैं फ्रैंकी भैया। यार सिंचेन ऐसी बातें करना बंद करो, हम नहीं मरेंगे। तुम्हें कुछ भी करके इस बोट को कंट्रोल करना होगा फ्रैंकलिन। अरे हाँ डोरेमोन, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझसे नहीं हो रहा। ये समंदर की लहरें बहुत बड़ी है डोरेमोन, मुझे लग रहा है कि बोट डूबने वाली है, पक्का डूबने वाली है। अब मरेंगे, अब मरेंगे, अब मरेंगे। अगर मैं मर गया तो मैं सिजुका से शादी कैसे करूंगा? इसे तो सिजुका से शादी करने की पड़ी है। अगर मैं मर गया तो मैं जिंदगी भर कभी एक्शन कमी नहीं देख पाऊंगा। तुम चुप रहो, बार बार एक्शन कमेंट करते रहते हो, बस कार्टून देखने अलावा तुम्हें और कुछ आता है क्या? ए, तुम चुप रहो पागल नोबिता, एक्शन कमेंट कार्टून नहीं है। अरे तुम पागलो, लड़ना बंद करो आपस में। यार ये सुनामी से पहले इन लोग के बाबा की मुझे मार डालेगी। ओ नो नो यार, बोट पलट गई, बोट पलट रही, बोट पलट रही। नहीं नहीं नहीं, बोट पलट नहीं नहीं। ओ हंस, बच गए बच गए, मुझे लगा पलटी जाएगी बोट। फ्रैंकलिन भैया अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सुनामी से कैसे बचेंगे? यार सिंचेन अगर मुझे पता होता तो मैं पता नहीं देता। हां तुम शांत रहो फ्रैंकलिन, तुम शांत रहो। यार ये तूफान तो बहुत ही बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ ये पानी का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि सुनामी कभी रुकने वाली है। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही है और बाप रे कितनी बिजलियां कड़क रही है। मुझे तो इन बिजलियों से बहुत ही डर लग रहा है। अरे ये प्लेन कैसे जा रही है, हम लोग के सामने से आ रही है, नहीं डूब गई क्या? ओ शिट, ये प्लेन हमारे सामने डूब गई नीचे। अरे बाप रे, ये हो क्या रहा है? जो है अभी इस प्लेन का वो हमारा भी होने वाला है। मेरे सिजुका में मरने वाला हूँ। तुम चुप करो पागल नोबिता, बार बार सिजुका सिजुका करते रहते हो। अरे नहीं, बोट पलट गई, बोट पलट गई। यार मर गए हम लोग, मर गए मर गए मर गए। बाय बाय सिजुका, मैं नहीं मिलूंगा तुमसे अगली बार। गुड बाय एक्शन कमी, अपना ध्यान रखना है। और सर एक मिनट, अरे ये क्या हो गया, बोट का इंजन खराब हो गया। ओ नो यार, बोट का इंजन भी अभी खराब होना था, मैं जाके देखता हूँ दोस्तों एक मिनट। ओके ओके, बाहर जाके देखो यार बोट को क्या हो गया। ओके मैं देखता हूँ बाहर जाके। अरे यार बोट का इंजन अभी खराब होना था क्या इसको? अरे 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 नीचे गिर गया यार, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, अब ये फ्रैंकलिन भाई कहाँ चली गई? फ्रैंकी भैया कहाँ गए अब? फ्रैंकलिन भैया, अरे बाप रे, इधर तो पानी आते जा रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? अरे फ्रैंकी भैया कहाँ गए, हमें छोड़ के? मुझे लग रहा है कि मैं पक्का मरने वाला हूँ दोस्तों। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये बोट तो पलट रही है, ये बोट तो पलट रही है, ये बोट कितनी हिल रही है दोस्तों, मेरे क्या हो गया है? दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या हम इस सुनामी से बच पाएंगे? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अरे बाप रे, बोट पलट गई, बोट पलट गई, नहीं नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। और प्लीज दोस्तों हमारे लिए दुआ करना है कि हमें सुनामी से बच जाए। 1,00,001 दुआ। तो प्लीज प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए। जल्दी से ऊपर चलो, जल्दी से ऊपर चलो। मैं आ रहा हूँ फ्रैंकी भैया, कहाँ गए अब? अरे फ्रैंकी भैया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे गिर गया, नहीं मैं डूब गया। अरे अब ये फ्रैंकलिन और सिंचेन कहाँ चले गए? फ्रैंकलिन, सिंचेन कहाँ हो तुम? ओ नो, ये बोट तो डूबने वाली है, मैं सिजुका से शादी नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूंगा जिंदगी में? मैं हमेशा 0 मार्क्स लेकर आता था, अब मेरा क्या होगा? मुझे तो कुछ सूझ भी नहीं रहा। डोरेमोन गैजेट निकालो कुछ, सिंचेन और फ्रैंकलिन गायब हो गए हैं। फ्रैंकलिन, सिंचेन, अरे कहाँ गए तुम? अरे बोट पलट गई, बोट पलट गई, नहीं बच गया मैं तो। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, मैं नीचे गिर गया, मैं मर गया, ये मैं क्या हो गया, मेरे सांस घुट रही है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। डोरेमोन बचाओ मुझको। अरे डोरेमोन कहाँ गए तुम, बचाओ मुझको, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब रहा हूँ डोरेमोन, मैं डूब रहा हूँ, मैं डर जाऊंगा। क्या नोबिता, मैंने अभी भी नोबिता की आवाज सुनी। नोबिता कहाँ गए तुम? अरे नोबिता क्या हुआ? डोरेमोन मैं डूब रहा हूँ, बचाओ मुझको, मैं मर जाऊंगा। अरे क्या नोबिता डूब रही है, पर नोबिता है क्या? अरे नोबिता कहाँ गए तुम? फ्रैंकलिन, सिंचेन, अरे कहाँ चले गए ये तीनों? अरे नोबिता, फ्रैंकलिन, सिंचेन, बाप रे मुझे लग रहा है नीचे डूब गए। ओ नो, मुझे इनको बचने जाना होगा, मैं आ रहा हूँ दोस्तों, तुम चिंता मत करो। ओके ओके मैं आ रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन, सिंचेन, नोबिता, ओ नो ओ नो ओ नो, मैं इतने को कैसे बचाऊँ, मेरे पास तो फिलहाल कोई गैजेट भी नहीं है। ओ नो, मैं क्या करूँ दोस्तों, मैं आ रहा हूँ, रुको। ओके जंप मारो, ओके ओके जंप मार दिया। ओके नोबिता, अरे नोबिता डूब गया, नोबिता मेरे, नोबिता मैं आ गया तुम्हें बचाने। ओ नो नोबिता, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बोले फ्रैंकलिन और सिंचेन का चले गए। ओ नो, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे अरे मेरे पे सांस घुट रही है। ओ नो, मैं भी मर जाऊंगा। अरे नहीं, मैं भी मर जाऊंगा, मर गया। 1 hour later मैं कहाँ हूँ? और ये नमूना कौन है? और नोबिता,
डोरेमोन, सिंचन तुम यहाँ पर? मैं कहाँ हूँ? ये हो क्या रहा है? ये कौन सी जगह है? अरे पापरे, मेरा सर तो बहुत घूमे जा रहा है। डोरेमोन, नोबिता उठो, सिंचन उठो। क्या बोलते हैं मियाँ, नींद पूरी हो गई क्या? अगर नींद पूरी हो गई हो तो उठने का कष्ट करोगे मियाँ? तुम चारों मेरे आइलैंड पे कर क्या रहे हो? ये मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर तो घूम रहा है। ले 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 ले, पापा की परी तो मैं हूँ ही। क्या कहा, किसकी परी? नोबिता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम मेरे हो तो मैं नहीं डूब सकते। मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने नोबिता। मुझे तो ये चारों के चारों पागल लगते हैं मियाँ। अरे वो गधे के बच्चों, कितना सोओगे, उठ जाओ। पता नहीं कौन है ये लोग और कहाँ से आ गए मेरे आइलैंड पे मियाँ। क्या, अरे तुम कौन हो और ये मैं कहाँ पे आ गया? अरे बाप रे, कौन सी जगह है? दिखने में तो ये बहुत ही बड़ा आइलैंड लग रहा है। अरे सिंचन, नोबिता, डोरेमोन, उठ जाओ यार, हम एक आइलैंड पे आ चुके हैं। उठ जाओ यार, उठ जाओ, पागल कहीं के। अरे यार क्या हो गया, तुम सो रहा था ना मैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, मैं जिंदा हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर ये कैसे हो गई? हम तो मर चुके थे ना, हम तो बोर्ड से सुनामी में नीचे गिर गए थे ना, तो फिर हम चिंता किसे बच के फ्रेंगे भैया? हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता सिंचन, पर तुम तीनों ठीक तो हो ना? नोबिता, डोरेमोन, सिंचन, पक्का ठीक हो ना तुम लोग? हाँ फ्रैंकलिन, फिलहाल तो मैं ठीक ही हूँ। और मैं भी ठीक हूँ फ्रैंकलिन। और मैं भी बढ़िया हूँ फ्रेंगे भैया। अरे घनचक्कर मियाँ, तुम ये बताओ कि तुम लोग मेरे आइलैंड पे कर क्या रहे हो? तुम चारों को आने किसने दिया यहाँ पर? हाँ पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? हाँ मेरा नाम है कैप्टन जैक स्पैरो मियाँ। क्या कहा, कैप्टन जैक स्पैरो? स्पैरो का मतलब चिड़िया होती है ना। तो क्या तुम चिड़िया हो? अरे नहीं सिंचन, उसका सिर्फ नाम कैप्टन जैक स्पैरो है। तो क्या ये इतना बड़ा आइलैंड तुम्हारा है? हाँ, और हम चारों इस आइलैंड पर आए कैसे? हाँ ये बताओ हमको। अरे ये मुझे क्या पता मियाँ, मैं तो यहाँ से टहल रहा था, मैंने तुम चारों को यहाँ पे लेटा हुआ देखा। मेरी किस्मत ही फूटी थी कि तुम चारों मुझको दिख गए हैं। चलो हाँ, हम लोग उस सुनामी से बच तो गए। हाँ लगता है कि उस बोट से गिरने के बाद हम लोग किसी तरह इस आइलैंड पे आ गए। चलो जान तो बच गई, अब मैं एक्शन कमी दिख पाऊंगा यही। इस सिंचन को तो बस एक्शन कमी की ही पड़ी है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। वैसे मियाँ मैं तुम चारों को बता दूँ कि तुम लोग यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम लोगों को पता भी है कि इस आइलैंड में कौन रहता है? क्यों कौन रहता है? इस आइलैंड पर बहुत बड़ा शैतान रहता है मियाँ, जिसकी आधी बॉडी इंसान की है और उसका सर ऑक्टोपस का है। क्या कहा, ऑक्टोपस का सर और आधी बॉडी इंसान की? ये तो मुझे बहुत बड़ा मॉन्स्टर लग रहा है। अरे बाप रे, हम ये कहाँ आ गए? अरे पर तुम चारों चिंता मत करो मियाँ, मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। पर इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए मियाँ। क्यों, क्या चाहिए तुमको? अरे वो इतना आसानी से थोड़ी बताऊंगा मियाँ, पहले तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ मियाँ। ओके मियाँ। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया, ये देखिए एक बड़ा सा स्केलेटन। ओह माय गॉड, ये क्या है? मुझे तो ये बहुत बड़ी जानवर की हड्डियां लग रही है। अरे ये जानवर नहीं, एक छिपकली है मियाँ। बहुत सालों पहले ऐसे छिपकलियां इस आइलैंड में घूमती थी, पर अफसोस की बात है इन्हें भी उस मॉन्स्टर ने मार डाला मियाँ। ओह नो, अगर वो इतनी बड़ी बड़ी छिपकलियों को मार सकता है तो इसका मतलब वो हमें भी आसानी से मार सकता है। अरे नोबिता, ऐसी नेगेटिव बातें मत करो। अरे मैंने कहा ना मियाँ, तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा मियाँ। और ये देखो आ गए हम लोग सही जगह पे। ये मेरा जहाज है मियाँ, बोला कैसा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है ना मियाँ? ओह माय गॉड, इतनी बड़ी शिप, बाप रे कितनी बड़ी है यार, दिखने में तो कितनी भयंकर लग रही है। बाप रे ये किसकी है, किसकी? ये तो किसी पायरेट की शिप लगती है और दिखने में तो ये बहुत ही बड़ी है। ओह माय गॉड, जैक स्पैरो क्या तुम एक पायरेट हो? है क्या ये शिप तुम्हारी है? बोले बोले। हाँ मियाँ ये शिप मेरी है, पर मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है मियाँ कि ये शिप पर किसी ने कब्जा कर लिया है। किसने कब्जा किया जैक स्पैरो? वही ऑक्टोपस वाले मॉन्स्टर ने मियाँ, उस गधे के बच्चे ने मेरी ये शिप मुझसे छीन ली मियाँ। अगर तुम चारों मुझे ये मेरी शिप लौटाने में मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा मियाँ, उस मॉन्स्टर से जान बचाने में। तो क्या बोलते हो मियाँ, क्या ये तुम्हें मंजूर है? हाँ मंजूर है। अरे क्या मंजूर है, तुम कुछ भी मत बोलो सिंचन। उस डरावने मॉन्स्टर से लड़ने में हमारी जान बचा सकती है सिंचन। फ्रेंगी भैया और नोबिता, डरने मत करो, जब तक हम सारे दोस्त साथ है हमें कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। हम उस पागल ऑक्टोपस वाले मॉन्स्टर को हरा देंगे फ्रेंगी भैया, आप बस बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ फ्रैंकलिन, नोबिता सही कह रहा है, जब तक हम चारों दोस्त साथ है हमें कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ तो क्या बोलते हो मियाँ, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे मेरी शिप को हासिल करने में मियाँ? हाँ ठीक है, तुम्हारा साथ हम दे देंगे, पर तुम ये तो बताओ कि हम उस मॉन्स्टर को हरेंगे कैसे? अरे बताता हूँ, बताता हूँ, सब बताता हूँ मियाँ। ये आज का मौसम तो कुछ ज्यादा ही सुहाना है। लगता है मुझे मेरी आर्मी से बात करनी ही होगी। ये जहाज तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, उस जैक स्पैरो से मैंने छीन कर बहुत ही अच्छा काम किया। तो क्या बोलते हो मेरे स्केलेटन की आर्मी, अब कौन सा खजाना लूटने चले, बताओ मुझको। सरकार उस जैक स्पैरो की वाट लगा दो, वो जैक स्पैरो जिंदा बचना नहीं चाहिए सरकार। हाँ सरकार ये सही कह रहे हैं, जैक स्पैरो को मार डालो, जैक स्पैरो को मार डालो। जैक स्पैरो तो लड़की है ना सरकार, जैक स्पैरो को छोड़ना नहीं सरकार। मार डालो, 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 म
मार डालो मार डालो। क्या बात है मेरी मुर्दों की आर्मी, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो हम उस जैक स्पैरो को मार डालते हैं। वो अपना ये शिप वापस लेने जरूर आएगा। बस आने दो उस गधे के बच्चे को, हम फिर उसे छोड़ेंगे नहीं। ओके आर्मी। अरे वाह सरकार, ओके ओके सरकार। ओ मजा हो गया सरकार, जैक स्पैरो मरेगा सरकार, जैक स्पैरो की तो वार लगेगी सरकार। हाँ तुमने सही कहा सरकार, वो जैक स्पैरो तो अब हमसे बचेगा नहीं। तो ये शिप वापस चुराने का प्लान क्या है जैक स्पैरो, जल्दी से बताओ हमको। अरे ये प्लान तो बहुत ही सिंपल है मियां, मैं जाऊंगा उस शिप में, उन लोगों का ध्यान बटाऊंगा, फिर वो लोग मेरे पीछे मेरी जान लेने भागेंगे, फिर वो शिप खाली हो जाएगी, फिर तुम चारों जाओगे मेरी शिप में, उसे चुराओगे और मैं पीछे की गली से वटक के तुम्हारे पास आ जाऊंगा मियां। क्या? अरे मैंने कहा कि प्लान तो बहुत ही सिंपल है मियां, मैं जाऊंगा उस शिप में, उन लोगों को बटाऊंगा ध्यान। अरे हाँ हाँ वो सब तो मैं समझ गया, पर तुम अपनी जान क्यों खतरे में डालोगे? अरे ये तो मेरा रोज का काम है मियां, तुम बस शिप चुराना भूलना मत, मैं अभी गया और अभी आया। ये तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंकी भैया? पता नहीं सिंचन, शायद उसके सिग्नल का वेट करेंगे। ये जैक स्पैरो तो बहुत ही बहादुर निकला, वो उस मॉन्स्टर से अकेले लड़ने चला गया। पहली बार तुमने कुछ सही कहे नबीता। तुम चुप रहो सिंचन। अरे ओए ऑक्टोपस के बच्चे, इस शिप का असली मालिक आ गया इस शिप को लेने के लिए, अब तो तुम्हारा खेल खत्म मियां। तो जैक स्पैरो तुम आ ही गए, बहुत ही इंतजार करवाया यार तुमने। तो अब मैं आ ही गया मियां, तो क्या साथ में लूडो खेलोगे? बकवास बंद करो, ओए मेरे स्केलेटन्स पकड़ो इस आदमी को, पूरा का पूरा जिंदा पकड़ना, इसे तो मैं मेरा गुलाम बनाऊंगा। जैक स्पैरो को हम पकड़ेंगे। जैक स्पैरो तू तो गया। धक्के टके धक्के टके जैक स्पैरो की वाट। जैक स्पैरो अब तेरा क्या होगा? मैं तो बोलता हूँ सीधा काट ही डालते हैं इसको। जैक स्पैरो को तुम मार डालेंगे। वाट लग गई। अरे अरे भागो मियां, ये लोग मुझे मार डालेंगे। भागो मियां भागो भागो भागो, मेरी जान बख्श दो मियां, मेरी जान बख्श दो। अरे भागो मियां, अरे भागो मियां, अरे भागो मियां, मियां मियां भागो। क्या वो कैप्टन जैक स्पैरो था? अरे हाँ वो तो कैप्टन ही था। इसका मतलब वो शिप खाली हो चुकी होगी। तो चलो फ्रेंकी भैया उस शिप को चुराते हैं। हाँ चलो चलो चलो। तो क्या मेरी ही शिप चुराओगे? हाँ क्या, अरे बाप रे मर गए मर गए मर गए। अब हमारे क्या हो गए?